ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इलेक्शन का समय है और चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में कई नेता जनसभा कर रहे हैं तो कई नेता रोड शो के जरिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस मॉर्निंग न्यूज में कि आज दिन भर में क्या कुछ नया होने वाला है और इसके साथ ही जान लेते हैं कि आज के दिन क्या हुआ कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के अकोला में जनसभा करेंगे। ये रैली दोपहर 12 बजे होगी। इसके बाद वो दोपहर 2 बजे नांदेड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान बीजेपी के सभी सीनियर नेताओं के रहने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की रैली में सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे। आज कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर तैयारियां और नेताओं के प्रचार का दौर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों सीसामऊ बेहद अहम सीट मानी जा रही है। इस सीट पर जीत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक भी की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज जमशेदपुर में रोड शो करेंगे। बता दें ये रोड शो जुबली गेट पार्क से शुरू होगा जो भालू भासा चौक पर समाप्त होगा। वहीं रोड शो को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारणों का पता लगाएगी। इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल को बनाया गया है जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं। इसके साथ ही कमेटी के अन्य सदस्यों में पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया और नू के विधायक आफताब अहमद शामिल हैं। वहीं आज कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। राहुल गांधी आज झारखंड के बागमारा का दौरा करेंगे। बागमारा में राहुल माटीगढ़ में एक सभा करेंगे। इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने एक चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर दी। जलेश्वर महतो ने बुधवार को बताया कि माटीगढ़ डैम कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर मैदान में 9 नवंबर को राहुल गांधी चुनावी सभा करेंगे। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अल्पसी अरट्टू जुलूस के लिए आज केरल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं 5 घंटे के लिए निलंबित रहेंगी। बताते चले कि तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया कि 9 नवंबर को शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक उड़ान सेवाएं निलंबित रहेंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शहर के लघु सचिवालय में आज विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्राधिकरण चेयरमैन और सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार व मुख्य दंडाधिकारी संजीव काजला का मार्गदर्शन रहेगा। ये जानकारी प्राधिकरण के अधिकार रक्षक रोहताज शर्मा व अन्य सहायक विकास सांगवान ने जागरूकता मुहिम के तहत दी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे लोक अदालत का लाभ उठाएं। हरियाणा के करनाल में आज श्री कृष्ण गौशाला में गोपालाष्टमी मनाई जाएगी जिसमें गौ चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ होगा। वहीं गाय और नंदियों का फ्री में इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि देश के राजस्व मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। ग्वालियर में कार्यपालक अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार विधिक सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे न्यायोत्सव विधिक साक्षरता सप्ताह का समापन आज विधिक जागरूकता मैराथन एवं विभागीय प्रदर्शनी के साथ होगा। वहीं रन एंड वॉक फॉर जस्टिस के साथ होगा विधिक सेवा सप्ताह का समापन। नवंबर का महीना आ चुका है और ठंडक ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि आज तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज के दिन क्यों है कुछ खास। साल 1948 में आज ही के दिन जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हुआ था। साल 1957 में आज ही के दिन भारत के होने वाले मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित का जन्म हुआ था। साल 1989 में आज ही के दिन ब्रिटेन में मृत्यु दंड की सजा पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई थी। साल 2000 में आज ही के दिन उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से अलग राज्य के रूप में गठन हुआ था। साल 2005 में आज ही के दिन भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।